हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गोयल जी, बात करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चार चरण चुनाव के बाद चार सौ पार अब तो और पक्का हो गया है, 400 पार उसी प्रकार से तीन चरण है वो तो हम स्वीप करेंगे। अब के तीनों चरण शत प्रतिशत बीजेपी और एनडीए के। एक सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन बार बार कह रखा राहुल गांधी के, इस बार अगर मोदी जी आते हैं तो संविधान बदल देंगे, क्या लगता है आपको संविधान बदल देंगे? इस तरह की जो बातें हो रही है बुनियाद है और विपक्ष में कोई विश्वास भी नहीं कर, मुसलमानों को डराया जा रहा है कि अगर अब की बार अगर मोदी जी आते हैं तो मोदी की जनता इतनी कमजोर नहीं है ऐसे बयानों से डरे, उनको मोदी जी पर पूर्ण विश्वास। उत्तर मुंबई में जो आपके अपोजिशन खड़े हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि आप उत्तर मुंबई के नहीं है, अपने पास चले जाएंगे, तो यहाँ के लोग आप बता रहे हैं कि मैं यहीं रहूंगा और मैं आपका ही हूँ, और उत्तर मुंबई को उत्तर मुंबई बनाने एक प्रकार से हंसने वाली बात। कभी आपने सुना है उत्तर मुंबई कर अलग है, दक्षिण मुंबई कर अलग है, मध्य उत्तर मुंबई कर मुंबई कर स्वागत कर रहे हैं। पैदाइश मुंबई में, पढ़ाई मुंबई में, कामकाज मुंबई में, व्यवसाय मुंबई चौधरी जी का। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस की अध्यक्षा जो कहती थी वो स्वयं धारावी में रहती है लेकिन बांद्रा से चुनाव लड़ ठाकरे उद्धव ठाकरे ग्रुप के वो स्वयं रहते हैं बांद्रा में चुनाव लड़ने और राहुल गांधी क्या वायनाड के या रायबरेली के या इटली के केंद्रीय मंत्री हम सब भारतवासी और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं मुंबई का हूँ। रामदास अठावले और कोई व्यक्ति अगर मुंबई को तोड़ने की भरत भाई चेखलिया और उनके कांग्रेस या उद्धव ठाकरे मुंबई को तोड़ने की कोशिश कर महायुति भारतीय शिवसेना आरपीआई और मन से कांग्रेस उद्धव ठाकरे को मुंबई को तोड़ने नहीं देंगे। मुंबई एक है, मुंबई मजबूत है। आपको बेइंतहा मोहब्बत मिल रही है आपके इलाके से, आप बतौर मंत्री है अभी आगे जाकर जनता के लिए क्या लाए हैं उत्तर मुंबई की? आपको जान के खुशी होगी स्वागत हो रहा है इस देश के सगा की बड़ी ज्वलन के यहाँ पे अच्छा अस्पताल और मेरा परिवार का एक ही आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने चैरिटेबल फाउंडेशन से बात करके 1000 बेड का मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अब उत्तर मुंबई में बोरीवली में आ रहा है, उसका काम शुरू हो गया। लतीक भाई, मुन्ना भाई, मुस्तफा भाई सभी उनका विजय माला देकर स्वागत कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के रमेश शाह जय श्री राम। मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल, हर प्रकार की सुविधा और इसमें गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। एक प्रकार से विकास की लहर और बड़े लक्ष्यों की लहर ऑलरेडी शुरू हो गई है, अभी तो चुनाव भी नहीं है। शुक्रिया आपकी बात कर रहे हैं। ये पीयूष गोयल जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बार 400 पार तो आ ही रहे हैं, साथ में मैं यहाँ की जनता के लिए भी बहुत कुछ लाया हूँ। इस समय मुंबई से वसीम हैदर।